सरोकार। यूपी निकाय चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत, मिशन 2024 की तैयारियों में जुटी भाजपा। हमीरपुर में दबिश देने गई पुलिस पर हमला, बदमाश ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, पुलिस ने बदमाश को किया गिरफ्तार। लखनऊ के हाजी कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां, कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। लखनऊ में अवैध असलहे के साथ युवक का वीडियो हुआ वायरल, खतरनाक स्टंटबाजी करते युवक का वीडियो वायरल। यूपी में गर्मी का प्रकोप, लू चलने के साथ गर्मी बढ़ने की दिखी चेतावनी। नमस्कार, मैं हूं ईशा भार्गव, स्वागत है आपका प्राइम उत्तर प्रदेश में। नगरीय निकाय चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद भाजपा अब अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। निकायों में मिली जीत भाजपा के मिशन 2024 के लक्ष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। बता दें कि 17 नगर निगमों में पहली बार पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ विजय प्राप्त करने में सफल हुई। वहीं बता दें कि भाजपा की नई प्रदेश टीम का गठन हो गया है। इस चुनाव में मिली बड़ी जीत ने भाजपा को नई ऊर्जा देने के साथ अपने विरोधियों पर दबाव भी बनाने का काम किया है। वहीं कुशीनगर नगर पालिका के वार्ड संख्या 9 बाबा साहब देवरस नगर से सबीना खातून ने जीत दर्ज करते हुए जनता को तहे दिल से धन्यवाद दिया। साथ ही इस दौरान उन्होंने कहा कि विकास मेरी पहली प्राथमिकता होगी, कहीं से भी किसी तरह का विकास रुक नहीं पाएगा। जनता से जो हमने वादा किया है उस पर खरा उतरने का कार्य करेंगे। जनता का जो सहयोग और प्यार आशीर्वाद मिला है उसका मैं और मेरा परिवार ऋणी रहेगा। सारी जनता को नमस्कार और सलाम करता हूं कि हमको उन लोगों ने इतना भारी मतों से सम्मान दिया है, समर्थन दिया है। मैं उनके लिए हर काम के लिए खड़ा रहूँगा और जो भी काम होगा विकास के लिए एकदम तैयार, उनके हर सुख दुख में खड़ा रहेंगे। वही अगली खबर हमीरपुर से है, जहां दबिश देने गई पुलिस पर बदमाश ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। बता दें कि जिले के कुरारा थाना क्षेत्र के पतारा गांव के एक निवासी शंभू कुशवाहा का तमंचा लहराते हुए एक वीडियो भी वायरल हुआ है। इस मामले की जांच करने के लिए कुरारा थाने के पतारा गांव स्थित चौकी इंचार्ज अपने 6 हमराहियों के साथ दबिश देने गए थे, तभी झाड़ियों में छुपे अपराधी ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान चौकी इंचार्ज के बाएं हाथ में गोली लगी है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद अपराधी मौके से भाग निकला, जिसके बाद पुलिस ने अपराधी को मुठभेड़ दौरान गिरफ्तार कर लिया। उसके दोनों पैरों में गोली लगी है, उसके पास से अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। घायल अवस्था में उसे जिला अस्पताल भी भर्ती करवा दिया गया है। पहले सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति असला के साथ नजर आ रहा था। तो आज पतारा चौकी इंचार्ज सुरेंद्र सिंह जब उसकी दबिश के लिए पतारा गांव में गए थे, उनको सूचना मिली थी कि वो आदमी वहां पर है। जब वो मौके पर पहुंचे अपने माइक मोबाइल के साथ 3 आरक्षी और एक दरोगा, जब हम मौके पर पहुंचे तो उस व्यक्ति ने जो कि झाड़ियों के पीछे छिपा हुआ था, उसने पुलिस को आते हुए देख के पुलिस पर फायर कर दिया। जो गोली हमारे चौकी इंचार्ज के बाएँ हाथ में लगी है, उनका उपचार अभी उनको अस्पताल लाया गया, जिला अस्पताल, वहाँ पर उनका उपचार चल रहा है। अभी जो स्थिति है खतरे से बाहर बताई जा रही है और उसकी टीम, उसके पकड़ने के लिए टीम गठित कर दी गई है जल्द से जल्द। वही गाजियाबाद के ब्यूटी पार्लर में धर्मांतरण का गंदा खेल चल रहा है। गाजियाबाद के थाना खोड़ा क्षेत्र में गॉर्जियस नाम के ब्यूटी पार्लर में धर्मांतरण का खेल चल रहा है। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में वहां से गुजर रही एक महिला ने बनाया है। उनका कहना है कि इस ब्यूटी पार्लर को चलाने वाली बबीता नाम की महिला ने उसे आवाज देकर अंदर बुलाया, जिसके बाद उसने अब्राहम और उनकी पत्नी रीवा से मिलवाया। दोनों ने उससे ईसाई धर्म में दीक्षा लेने के तमाम फायदे बताए। सुनीता का दावा है कि वहां आर्थिक रूप से कुछ कमजोर महिलाएं भी बैठी हुई थी। सुनीता ने इसकी जानकारी पुलिस को दी है, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ब्यूटी पार्लर संचालिका को गिरफ्तार कर लिया है।
यहाँ पे गॉर्जियस ब्यूटी पार्लर है और वहाँ पे मैं वहाँ से निकल रही थी तो मुझे उस महिला ने आवाज़ लगा के मतलब बुलाया, तो मैंने पूछा कि हाँ जी बताओ क्या हुआ। तो शायद वो मेरे बारे में जानती नहीं थी, तो उसने मुझे अंदर बुला के बोला कि इनसे कुछ बात कर लीजिए। तो वहाँ पे एक पादरी थे और मतलब वहाँ पे बहुत लोग बैठे हुए थे अंदर, कुछ महिलाएँ थी, कुछ मतलब काफ़ी कमज़ोर वर्ग की महिलाएँ भी वहाँ बैठी हुई थी। तो मैंने बोला हाँ जी बताइए, तो कह रहे कि मेरे गले में लॉकेट था, मैं कृष्णा जी का लॉकेट था। तो उन्होंने बोला कि इसे उतारेंगे आप। थाना खोड़ा पर वादिया अपने सहयोगी के साथ तीन व्यक्तियों को गिरफ्तारी हालत में लेकर आई, जिनके नाम क्रमशः इब्राहिम थॉमस है, जो कि कलवरी चर्च मयूर विहार दिल्ली से संबंधित बताए जा रहे हैं और पेशे से पादरी हैं। इनके साथ साथ इनकी पत्नी रीवा और बबीता पत्नी संजय ठाकुर, जो कि मयूर विहार फेज 2 दिल्ली की रहने वाली हैं और मधु विहार खोड़ा में अपना ब्यूटी पार्लर चलाती हैं। वादिया ने लिखित तहरीर देकर इन लोगों पर यह आरोप लगाया कि वादिया को अपने ब्यूटी पार्लर में बुलाकर बबीता द्वारा इन दोनों लोगों से परिचय करवाया गया और इनके धर्म परिवर्तन का प्रयास किया गया। संबंधित वहीं यूपी में हीट वेव का पूर्वानुमान दिया गया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 7 दिन तक लू चलेगी, लोगों को झुलसा देने वाली धूप का सामना करना होगा। बता दें कि लखनऊ मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 3 दिन तक तापमान और बढ़ेगा। लखनऊ का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पार कर जाएगा। गर्म हवाएं लोगों को परेशान करेंगी। अगले 3 दिनों में कहीं पर भी कोई बारिश का पूर्वानुमान नहीं है। लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के दूसरे जिलों में भी तापमान अगले तेजी से बढ़ेगा और उत्तर प्रदेश समेत पूरे उत्तर भारत में इस बार मौसम बार बार करवट बदल रहा है। जहां मई के पहले हफ्ते में बारिश से तापमान में गिरावट देखने को मिली, तो वहीं ठंडी हवाओं से मौसम सुहाना हो गया। दूसरे हफ्ते तक आते तापमान ने अब एक बार फिर से चढ़ना शुरू कर दिया है और यूपी में गर्मी की एंट्री हो चुकी है। हीटवेव की वजह से तापमान चढ़ सकता है। इसी के साथ कानपुर में रुक रुक कर हो रही बारिश ने मौसम को खुशनुमा कर दिया है। कानपुर में सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है, इससे तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आने वाले 5 दिनों में तापमान गिरने और फ्री मानसून वर्षा और बूंदाबांदी होने की संभावना जताई है। वहीं औरैया में एक महिला का संदिग्ध परिस्थितियों में तालाब में शव मिला है। महिला के मायके वालों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया। उनका कहना है कि 2 साल पहले महिला की शादी हुई थी और उसके ससुराल वाले उसे काफी परेशान करते थे। वहीं सूचना पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस और मजिस्ट्रेट ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही परिजनों की तहरीर के आधार पर कार्रवाई करने की भी बात कही गई। औरैया जिले के बिधुना कोतवाली क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। बैठा था, अपना कुछ काम निपटा रहा था, तभी SDM साहब का फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि SO बिधुना ने बताया है कि एक पुरवा लच्छीराम गांव है बिधुना थाना अंतर्गत, तो उसमें एक महिला की मृत्यु हो गई, तो उसमें मजिस्ट्रेट पंचनामा भरने के लिए हमको कहा गया। तो मैं यहां मौके पे आया तो बॉडी उसकी एक ताल है, ताल के बाहर पड़ी हुई थी। नाम पूछने पर गाँव वालों ने बताया कि वो स्वाति नाम की महिला है, लगभग 2 साल पूर्व शादी बताई गई। और लोगों ने बताया कि जो है उसकी मृत्यु पानी में डूबने से हुई। आपका कहाँ के रहने वाले हैं? कितने साल पहले आपने शादी की? 2 साल पहले शादी हुई, अभी 2 साल पूरे हुए भी नहीं। क्या लगता है आपको, किस तरीके से? अरे इन लोगों ने मार डाला, मैंने बोला उनको मैं अभी आ रहा हूँ, इन लोगों ने मेरा आने अभी मैं आया थोड़ी ज्यादा उनको दवा दिलाई, इसके बाद मैंने बोला इधर ही से आ रहे और इन लोगों ने तब तक मार दिया। कितने बच्चे हैं? मेरे दो बेटियां हैं। नहीं इनके ये एक भी बच्चा नहीं है। 2 साल पहले शादी हुई थी? 2 साल अभी हुए भी नहीं। क्या नाम है? मेरा सनी कुमार। कहाँ के रहने वाले? फुलरिया के। ये कहाँ पड़ता? ये सॉरी मैं खाली के पास पड़ता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है, जहां पर एक महिला की मौत हो गई है। संदिग्ध परिस्थितियों में महिला का शव पड़ा मिला, जहां पे ससुराल पक्ष पर आरोप लगाया गया है हत्या का। आपको बता दें संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत हुई और ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप भी लगा है, जिसको लेकर जो मायके वाले हैं महिला के, उन्होंने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है।
महिला का संदिग्ध परिस्थितियों में शव पड़ा मिला है। आपको बता दें पूरा मामला औरैया का है, जहां ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जाहिद जुड़ चुके हैं। तो जाहिद, संदिग्ध परिस्थितियों में महिला का शव पड़ा मिला है, वहीं इसमें जो मायके वाले हैं वो ससुराल पक्ष पर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। क्या है पूरा मामला? जी, मैं आपको बता दूं कि औरैया जिला के बिजलापुरवाई क्षेत्र के एक गांव में एक महिला का 26 वर्षीय महिला का एक तालाब में शव पड़ा मिलता है, जिसको लेकर उनके परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। वही पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। वही पुलिस की अगर बात कही है तो उन्होंने कहा कि तहरीर के आधार पर ही कार्रवाई की जाएगी। अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की है पुलिस ने पूरे मामले में? अभी तक परिजनों द्वारा जो तहरीर दी गई है उन्होंने सिर्फ हत्या की आशंका जताई है मायके वालों पर। वही पुलिस ने एक टीम बनाकर पकड़ने का प्रयास कर रही है। जी, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए धन्यवाद जाहिद। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।